विधानसभा चुनाव के चलते विभिन्न पार्टियों द्वारा अपने स्टार प्रचारकों के साथ अपना अपना चुनावी अभियान तेज कर दिया गया है, जिसके चलते करनाल से भाजपा प्रत्याशी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने कांग्रेस के प्रत्याशी त्रिलोचन सिंह चुनौती दे रहे हैं। इस दौरान त्रिलोचन सिंह ने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक जनसभा संबोधित की। उन्होंने कांग्रेस के कार्यालय में हुए विकास कार्यों के बारे में लोगों को बताया। इस मौके पर सरदार त्रिलोचन सिंह ने कहा कि वे पिछले 40 वर्षों से करनाल में रहकर लोगों की सेवा कर रहे हैं और उन्होंने कभी भी किसी पद व चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त नहीं की है, परंतु इस बार करनाल के विधायक एवं मौजूदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने कांग्रेस पार्टी द्वारा उनको प्रत्याशी बनाकर भेजा गया है और जो विश्वास उनमें कांग्रेस पार्टी द्वारा व्यक्त किया गया है उस पर खरा उतरने का वह प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आई तो हम किसी को परेशानी नहीं होने देंगे। मौजूद सरकार में किसान, व्यापारियों और आमजन पूरी तरह से परेशान हो चुका है। उन्होंने कहा कि जब मैं निर्मल कुटिया में आशीर्वाद लेने गया तो वहां मौजूद लोगों ने मुझे कहा कि आप मनोहर लाल का मुकाबला करें, हम आपके साथ हैं। आप भी सुनिए क्या कहा कांग्रेस के प्रत्याशी त्रिलोचन सिंह ने। अब सब साथी प्यार की वजह से आए, कांग्रेस से होने के नाते वजह से आए हैं और एक प्रमाणिक मेंबर होने की वजह से आए। आज से करीब 2 महीने पहले मैंने और मेरे परिवार के सभी सदस्यों ने मुझे कहा, मेरी बेटियों ने कहा कि अब बहुत हो गया, अब आपको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। मेरा 1955 का जन्म है, 2 संसार मेरी उम्र हो चुकी है, तो मैंने कभी जैसी में एक बार चुनाव जरूर लड़ा था। इंडिपेंडेंट तो चौधरी भरेलाल जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने चुनाव से ठीक 3 दिन पहले जाफर शरीफ मोहसिना कटवाई को मेरे पास भेजा, भाई आप कांग्रेस विधायक में बैठो, मैं आपका मान सम्मान करूँगा। यकीन मानना, मैंने पहले कह दिया मैं सच्चाई कहूँगा, मेरे को नहीं पता था मान सम्मान में कुछ लिया जा सकता है, राजनीतिक तौर पर नहीं मालूम था। मैंने सिर्फ मान सम्मान यही किया कि शांति देवी करनाल की बेटी है, करनाल के बहन है, पर मैं उनके हक में बिना किसी शब्द के बिना किसी लाद के बैठ गया। मैं कांग्रेस की विचारधारा में शामिल हो गया। जब कुछ तक कांग्रेस थे तो निशांत राजू था और मेरा निशांत राजू था, मेरे को उनका सहयोग मिलने की बात भी हुई थी, वे आपको पूरा सहयोग देंगे। 3 दिन पहले बैठा पर मैं ये चाहता था कि मेरे को कुरेल सिंह की बेटी का मेंबर बना दिया जाए। कभी नहीं सोचा टिकट के बारे में, करते 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 कई मेरे बहने आई, कई मेरे भाई आए, उनके साथ में चलता रहा, कोई MLA बना, कोई मंत्री बना, कोई तो बना, और कभी मैंने ये भी नहीं कहा कि मेरी वजह से कोई बना, क्योंकि उनके भाग्य में था, उन्होंने बनना था, मैं मातम था, मेरे मातम से जाना था। टिकट आई, भगवान जी ने कहा मोड़ो, मैंने कहा मेरी बहन अस्मिता सिंह बड़ी अच्छी बड़ी आई, ईमानदार बेटी है, उनको बुलाई। मीना मंडल की बात आई तो उनको बुलाई, राजकुमार बाल्मीकि की बात आई तो उनको बुलाई, चिलराम शर्मा की बात आई तो उनको बुलाई। ना जाने मेरा कितने अपने भाई बहनों का साथ रहा। अब जब कुछ दिन पहले जब बात हुई कि क्यों ना अब बहुत हो गया, तो मैंने सिर्फ अपने बच्चों से सिर्फ यही कहा, दो बेटियाँ हैं मेरी, दोनों मैरिज हैं, उनका सिर्फ यही मैंने कहा, बड़ी सिर्फ ये चुनाव मेरे को देख लेने दो, जो भी आएगा। उस टाइम भी मेरे दिमाग में कोई बात नहीं थी कि जो भी आएगा मैं उसकी मदद करूँ। अच्छा लगता आप चुनाव से 2 महीने पहले मैं राजनीति छोड़ के अलविदा हो लूँ, दो महीने। और मेरे पार्टनर ने कहा कि बहुत हो गया, मैंने कहा सिर्फ 2 महीने का समय चाहिए, और मैंने नवंबर तक का समय मांगा। फिर मेरे को नहीं मालूम था कि मेरे को चुनाव खुद लड़ना पड़ेगा। अब जीत और हार बात की बात है, लेकिन जो आज मेरा सहयोग देंगे, जो मेरे भाई मेरा सहयोग दे रहे हैं, जो मेरे साथ खड़े होंगे, जो कांग्रेस के लोग होंगे, जो कांग्रेस विचारधारा के लोग होंगे, जो मेरे दुख सुख के साथी होंगे, जो इस मेरे कार्यों में शामिल होंगे, अगर मैं 15 साल जिंदा हूँ आज के बाद, या 20 साल जिंदा हूँ, 10 साल जिंदा हूँ, मैं आपको छोड़ नहीं सकता। मैं छोड़ना चाहता था आज से 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले, तो इसलिए रुका कि कल कोई ये ना कहे शहर ये चल के भाग गया, क्योंकि अगले चुनाव में पता नहीं किसको टिकट मिले। सिर्फ इस वजह से मैं बीच में रहा कि जो भी साथी आए
हमने जो ग्रहण जो कल्पना लगा बन सीता सिद्धि किसी कारणवश मजबूरी से तो बात नहीं करना चाहते अशोक ग्रहण जी को भी हमने कहा कि आप आइए भाई नहीं तो मान लो हम सारे कि ऐसी जगह बैठे थे पंडित पुनिया भी थे और जो भाई थे सोशल भी थे हमने तो कभी कहा इनकी भी कुछ मजबूरियाँ थी तो मेरा घर टिकट मांगने नहीं गया मैं एक दोस्त के लिए गया उसको कायदा कर दिया लेकिन मैं वो कह दिया गया कि आप चुनाव नहीं है मैंने सोचा मैं सब मजाक किया गया मैं भी समझ सकता था कि मुख्यमंत्री के सामने मेरे को वो इस कामल समझे फिर तो रोचन सिंह इसको करा सकता है तो जन इसको लड़ सकता है मेरे को टिकट की कैद कर दिया मैंने तैयारी थोड़ी सी की एक 5 लाख रुपये जाके चंडीगढ़ भरा वो भी आखिर दिन और 5 बजे के बाद तब विचार में भी अब जब उन्होंने मेरे को टिकट दे दी तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं कांग्रेस पार्टी के लिए कनाल के लोगों के लिए जिन लोगों को बड़ी उम्मीदें थी मौजूदा सरकार से जिनको बड़ी उम्मीदें थी मनोहर खट्टर से जो 5 साल के अंदर अंदर चाहे वो मुखारी है चाहे कर्मचारी है चाहे किसान है चाहे वो बेरोजगार है चाहे मेरी बहनें हैं या बेटियां हैं उनके जब हताश होंगी तो मैं उनके सामने मुकाबला करूंगा आप भाइयों के सहयोग से आप भाइयों के प्यार से मुकाबला करूँगा आपको मालूम है अगर शेर की खोज हो अगला जो सेनापति उसका भेड़िया हो लोग कह देते हैं भेड़ियों की खोज है अगर शेरों का काफला चल रहा हो उनका हेड भी शेर हो उनका लड़ने वाला भी शेर हो तो शेरों की फौज कहलाई जाती है अब सब साथी मेरे जब साथ हैं तो हम शेरों की फौज है मनोरा खतर से हम मनोरा खतर जब मेरा नाम अनाउंस हुआ तो हंस रहे थे मजाक कर रहे थे लेकिन अभी पिछले 3 दिन से उनको महसूस हुआ कि मुकाबला इतना आसान नहीं है जितना हमने सोचा था उनको मालूम नहीं था कर्नाल की बड़ी बड़ी गलियां हैं कर्नाल की बड़ी बड़ी कॉलोनियां हैं कर्नाल के बड़े बड़े जल हैं जहाँ लोग बैठे हैं सोच के कि कौन आएगा इसका मुकाबले में हम लड़ाई लड़ेंगे मैं कुछ समय पहले निर्मल कुटिया में गया क्योंकि मैं वहाँ का सेवादार हूँ मैं वहाँ सेवा करता हूँ मेरा आधा जीवन सिर्फ निर्मल कुटिया में बीत चुका है जब निर्मल कुटिया में गया तो काफ़ी लोगों ने मेरे को कहा हम नोला खट्टर से मुकाबला करने जा रहे हैं क्या कोई बात नहीं हम मुकाबला करेंगे हम हिंदुस्तानी हैं हम भारतवासी हैं मैं करनाल का रहने वाला हूँ मेरा 1955 जन्म करनाल में हुआ मारा टोड़ में जो खैराती स्कूल है जिसको हम खैराती स्कूल बोलते हैं उसमें मैं पढ़ा हूँ उसी से मैं आगे आया हूँ मैं बहुत ज़्यादा अमीर खानदान का नहीं हूँ मैं आप जैसा गरीब परिवार का हूँ मेरी पगड़ियाँ मेरे कपड़े देखकर मसल मेरा मैं अमीर हूँ मैं एक कैसे रोज कमा के खाने वाला हूँ लोगों ने मेरा इलाज भी किया लोगों ने पिछले 20 साल से मेरे ऊपर कह की एक तरह के टक्स भी किए क्योंकि मैं एक जगह खड़े हो रहा था अगर मैं चौधरी भजवाला के साथ रहा सारे चले गए मैं वहीं रहा अगर भूपिंदर सुरखा के साथ हूँ तो वहीं रहा मैंने दूसरा घर में देखा मैं हमेशा भी उसके साथ रहता हूँ उसी के साथ रहता हूँ मैं कभी पीछे में छोड़ के नहीं गया ना करवा के लोग हूँ मैं जितना या हारना ये लोग पढ़ा के हाथ में मैंने परम पिता परमात्मा पे छोड़ रखा सब कुछ जो वो फैसला करेगा तो मेरे को मान्य हुआ लेकिन जो भाई बहन सब करे हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि प्रवचन सिंह का आखिरी जो सांस होगा वो आपके सामने होगा एक बड़े बहुत सारा साथी खुद चुनाव लड़ रहे हैं चाहे वो लड़ाई ढूंढा से हो चाहे शमशेर को गिरी असम से हो चाहे वो चौधरी निर्मल सिंह जी कहीं से भी लड़ रहे हो राकेश कुमार जी कहीं से लड़ रहे हो मेरी जो असली टीम थी जो मेरे साथ बैठ सकते थे उनका बिखराव हो गया वो अलग अलग चले गए मेरी जो आज मौजूदा टीम है ये जंगी है ये लड़ने के लिए तैयार है मेरे पुराने साथी हैं दुख सुख के साथी हैं हम सब आपके बीच में आए हैं हो सकता है इलेक्शन तक मैं हरेक आदमी तक नहीं पहुंच सकूँ मेरा पहुंचना जरूरी नहीं जहां पहुंच गए वोट आपने आप लोगों को मिलेगी कांग्रेस पार्टी के लोगों को मिलेगी मैं तो आपका सेवक हूं आपका भाई हूं आपका सिपाही हूं आज आपसे ज़्यादा वादा नहीं करता मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि सरकार को गिराने के लिए आपको सहयोग की मेरे को बड़ी सशक्त आवश्यकता है 13 दिन बाकी रह गए हैं 13 दिन आप मेरे को दे दो मैं आप ये कहूँ ईमानदारी से दे दो तो इसका मतलब मेरे को आपकी शक्त में नहीं कहता 13 दिन आप मेरे को दे दो और मैं अभी 15 साल मरने वाला नहीं हूँ अगले 15
में आपका रेडी रहता आपके बीच में। सरदार कमला गांधी जिंदाबाद, सरदार कमला गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सरकार आएगी जो हमारे को भी शायद नजर नहीं आता, क्योंकि मीडिया वाले पूरी तरह हमारी मदद नहीं कर पा रहे, चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे। करनाल का मीडिया ने कलम की वजह से आज मैं राजनीति में जिंदा हूँ। करनाल के मीडिया की कलम की वजह से मेरे को टिकट मिली है। करनाल के मीडिया ने मेरी बड़ी मदद की है, जाती तौर पर मदद की है। लेकिन अब हो सकता है कुछ मजबूरियाँ हों कि उनकी कलम ऊपर जाकर रुक जाती है, मुझे कुछ मजबूरियाँ नहीं हूँ। मैं हर खबर हमारे तक नहीं पहुँचती, हमारी हरियाणा में सरकार बढ़ने जा रही है। आपका सहयोग रहा करनाल से, अगर मेरे को पूरा सहयोग मिलता है मैं पढ़ता हूँ, मैं तमाम उम्र आपकी सेवा करूँगा। मैं मंत्री जाना पसंद नहीं करूँगा, आपकी सेवा करूँगा तो मैं जानता हूँ कि आपकी सेवा कैसे करनी चाहती है। मैं हर गली को जानता हूँ, हर मोहल्ले को जानता हूँ। दुख सुख के साथियों, सिर्फ 13 दिन मेरे को दे दो और आपको दोबारा पीठ नहीं लगने लूँगा, आपको मैं पीठ नहीं देखने लगूँगा ना ही आपको। इसके बाद त्रिलोचन सिंह ने कहा कि कांग्रेस की टिकट उनको मिलने से पहले करनाल में लोग मुख्यमंत्री की एक तरफा जीत मान रहे थे, परंतु जैसे ही कांग्रेस में सरदार त्रिलोचन सिंह को चुनाव लड़ने के लिए भेजा तो मुख्यमंत्री भी करनाल की गली गली में घूम रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने कहा कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री करनाल के दलित बस्तियों में भी वोट मांगते नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार आने के बाद वह लोगों के बीच में रहकर जनता की सेवा करेंगे। इस मौके पर नीटू मान ने नीटू ने संबोधित करते हुए कहा कि जो टिकट है यह केवल सरदार त्रिलोचन सिंह की नहीं है, यह हम सब साथियों की टिकट है। सब साथियों और कार्यकर्ताओं को मिलकर इस चुनाव को सफल बनाना है। उन्होंने कहा कि सरदार त्रिलोचन सिंह एक ऐसी शख्सियत हैं जिसे जनता अच्छे तरीके से जानती है, ये हर किसी के सुख दुख में शामिल होते हैं। इस दौरान दूसरे कार्यकर्ताओं ने भी भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा से हर वर्ग के लोग परेशान हैं। इस मौके पर पप्पू लाठर कांग्रेसी नेता अशोक खुराना, कांग्रेस के प्रवक्ता एवं कांग्रेसी नेता पंकज पुनिया व अरविंद मानीटू सहित अन्य मौके पर मौजूद रहे। सरपंचोत सिंह जी कितने भी हैं, हमारे बड़े भाई और हमारे नौजवान साथी, हमारी बहनें, ये जो करनाल की जो टिकट है, सरदार त्रिलोचन सिंह की टिकट नहीं है, ये हम सब साथियों की टिकट है। हम सब साथियों ने पूरी मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से और अच्छे तरीके से, ठंडे स्वभाव से इस इलेक्शन को हमने जीतना है। ऐसी रणनीति बनानी है, अपने साथियों में ऐसा प्रचार करना है कि जो सरदार त्रिलोचन सिंह जी है वो एक ऐसी शख्सियत है जिसको हर आदमी जानता है। हर आदमी के सुख दुख में पिछले 30-32 साल से शामिल होते हैं। इनका तकरीबन सभी घरों में पारिवारिक आना जाना है। इनके बारे में मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने इतना ज़्यादा कह दिया कि अब उनके बारे में और कहना कुछ बाकी नहीं है। आप सभी लोग इनको बिल्कुल नज़दीक से जानते हो, तो सभी साथियों से अपील है, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को ये बात समझाओ कि अगर हमें अपना लोकल करनाल से विधायक बनाना है, अपना भाई को सरदार त्रिलोचन सिंह जी को हमने यहाँ से जितवाना है। जय भारत, जय कांग्रेस। गलतियां भुला चुका जी माफी। मैं तरवीना कहना चाहना, तुम अखबारा पढ़ के वेखो, तुम मैसेज पढ़ के वेखो, इन्होंने इन्नी महंगाई की है तो दिखा रहे हैं महंगाई साड़ी घट है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहना वा कि तुम जाके, मैं तुम पहला क्या तुम्हें जा, जैसा कि आज लोग 5 साल से देख रहे हो, बीजेपी सरकार ने पूरे देश का, पूरे हरियाणा का सारा सिस्टम ही खराब करके रख दिया है। कुछ टाइम पहले आईटीआई के छात्र छात्राओं पर जो लाठी चार्ज हुआ था, शायद आप लोग भूले नहीं होंगे। महिला के साथ दिन रात, कभी हमारे छोटे छोटे बच्चों के साथ 2 साल 2.5 साल 8-8 महीने की बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। किसानों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, वो भी किसी से नहीं छुपा है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उन सब चीजों को देखते हुए जो हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी उम्मीदवार सरदार
JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।